हेलो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं लखनऊ के मशहूर डिश शिरमाल, वो भी लखनवी अंदाज में। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने आधा किलो, ये हमारे पास मैदा है, ये हमने दही लिया है 200 ग्राम है, और ये रिफाइंड ऑयल है हमारे पास, ये 150 ml रिफाइंड ऑयल है, और ये हमने 1 टी स्पून चीनी है, 1/4 बेकिंग सोडा है, और 1/4 ही हमारे पास नमक है, और ये हमें आटा गूंदने के लिए हमने बाकी दूध ले लिया है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें ये दही डाल देंगे, पूरा दही फ्रेश लीजिएगा, ज्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, और ये लखनऊ का बड़ा फेमस भी है ये शिरमाल, शिरमाल कबाब आपने नाम सुना होगा। लखनऊ हमने ये दही डाल ली। अब ये जो हमारा रिफाइंड ऑयल है हम इसमें ये डाल लेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं, और अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, वो बाउल हमारा छोटा हो रहा था इसीलिए हमने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। इसमें ऑयल ज्यादा सजा रहा है मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें, या तो हम टेस्ट ही ले सकते हैं या तो हम हेल्थ देख सकते हैं। तो अगर टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा हमें अपने हेल्थ के लिए जो प्रिकॉशन है वो हमें थोड़ा भूलना होगा। तो इस तरह से करते हुए हमें खूब अच्छे से इसे पहले मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये तकरीबन हो ही गया है अभी, जबकि हमने इसमें अभी दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ रिफाइंड और दही डाला है, उससे ही यहाँ तक हो गया है। अब हमें इसमें बहुत ही थोड़े से ही दूध की जरूरत होगी, तो वो हम थोड़ा सा इसमें दूध डालते हैं। अच्छा, दूध हम डायरेक्टली नहीं डाल लेंगे वरना ये गीला हो जाएगा, तो हम इस तरह से अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा लेके ही हम इसमें इस तरह से छिड़कते हुए अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ऑलमोस्ट अब ये हमारा डो रेडी हो गया, लेकिन बस थोड़ा सा ये मिल्क हमने और इसमें डाल दिया है, डाल के बस अब हम इसे अच्छे से हमें इसे नीट करना है, तभी हमारे शिरमाल बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और ये कबाब के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो कबाब की रेसिपी तो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, पहले ही मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अंगारा कबाब मैंने बनाया था, बहुत ही टेस्टी था वो भी, तो आप उस कबाब के साथ इसको खा सकते हैं। तो उसका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आई बटन में भी दूंगी, मैं ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप चाहें तो वहां से उसको देख सकते हैं और देख के उस कबाब के साथ इसको ट्राई कीजिए। ये वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो बस इस तरह से करते हुए हमें इसे अच्छे से नीट करना है, और नीट करके अब हमें इसे तकरीबन कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट पे रखना है। तो बस इस तरह से ये हो गया है। अब हम इसको आराम से ढककर रख देंगे कहीं भी, और इसको 3 से 4 घंटा हम अब इसको रेस्ट देंगे। तो चलिए तो देखिए, ये हमने उस टाइम पे आटा गूंद दिया था, हमारे 4 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसको एक साइड रखते हैं। अब इसके लिए जैसा कि पता ही है कि जो शिरमाल का कलर है ये हमारा ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज कलर देने के लिए हमने ये थोड़ा सा फूट ले सकते हैं, आपको जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हो शिरमाल उसी क्वांटिटी से उसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसमें हम दूध डालेंगे, दूध डालने के बाद हम इसका इस तरह से कलर तैयार कर लेंगे जिनको कि हमें शिरमाल में लगाना है। इससे कोई टेस्ट तो आता नहीं है, लेकिन हाँ भाई लखनवी शिरमाल है तो वो तो थोड़ा नवाबी अंदाज में अट्रैक्टिव दिखना ही चाहिए, तो बस उसके लिए ही हमें इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर लगाए ये हमने तैयार कर लिया है, अब इस पर लगाएंगे। चलिए अब हम बनाते हैं शिरमाल। चलिए देखिए, उस आटे में से हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे, एक शिरमाल बनाने के बराबर इसका हम बॉल बनाएंगे, ये आप देख लीजिए। उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करेंगे और हम इसे एक रोटी का शेप देंगे। तो बस ये देखिए, हमने एक रोटी के साइज का बेल लिया है, अब हमें इसे इसमें लेयर्स लगानी है। अब बस हम इसमें लेयर्स लगाने के लिए इस तरह से हम कट लगा लेंगे, कट लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से मैदे की डस्टिंग करेंगे। हम इसके ऊपर वापस से यहाँ पे लेयर्स में हम ऑयल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अंदर जब हमने आटा बनाया था तो हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया था,
तो बस इस तरह से हम इसके वापस से बॉल बना के हम फिर वापस से इसको वैसे ही रोटियों का शेप दे देंगे। आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप जैसा चाहते हैं उस तरह से आप रख लीजिए। तो बस इस तरह से हम इसको वापस से रोल। चलिए देखिए ये हमारा सेकेंड लेयर भी मिल गया है। ये हम रोटी से इसकी थिकनेस देखिए थोड़ी सी मोटी रखेंगे, बस नॉर्मल जो पराठे बनाते हैं उस तरह से ही। और ये हमने तवा गर्म करके रखा हुआ है, इस पे हम ये अपने शिरमाल डाल देंगे। अच्छा आप कोशिश कीजिएगा कि ये लोहे वाले तवे पे ही बनाइए, कोशिश कीजिएगा कि उसमें नॉन स्टिक में नहीं बने, क्योंकि इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। ये हमने डाल के बिल्कुल फ्लेम को हम लो शिरमाल कह लें, ये पूरे शिरमाल हमारे ऐसे ही लो फ्लेम पे ही हमें इसको सेकना है। इसको हमें मीडियम या हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना ये अंदर से कुक नहीं होगा, ऊपर से तो कुक हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इस तवे पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए अब इसके ऊपर हमें ये जो हमने कलर तैयार किया था बस इस लेयर पे हम इसके अब ये कलर लगा देंगे। कलर लगते ही भाई इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। नवाबों के शहर की ये रोटी है तो नवाबों वाला लुक इसमें आने लगता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव लगने लगता है। और हो भी क्यों ना भाई, ये नवाबों का है, ये सुनने में आता है कि ये नवाबों की रोटियों की उसमें ये बड़ा ही उनका फेवरेट रोटी हुआ करती थी। इसको वो नहारी और कबाब के साथ खाया करते थे और आज भी लखनऊ में ये बहुत ही मशहूर है। आप अमीनाबाद या चौक आपने नाम सुना ही होगा लखनऊ का, वहाँ आप चले जाएंगे तो बस इसकी ही खुशबू आपको पूरे में आएगी, स्पेशली रमज़ान में तो ये बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है कबाब के साथ। तो बस इसके हर तरफ हर साइड में इसको हम इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। चलिए तो देखिए ये बिल्कुल ऊपर जो हमने कलर डाला था ये ड्राई हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और घी डालने के बाद इसको अच्छे से ऐसे फैलाएंगे और उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ऐसे टर्न करके हम बस इसको एक मिनट के लिए पकाएंगे। वैसे हमने इसको धीमे आंच पे उस साइड से तकरीबन हमने इसको 5 मिनट के लिए बनाया था। अब 1 मिनट ऐसे करेंगे ताकि ये जो हमने घी डाला ये थोड़ा सा कुक हो जाए। घी डालने से इसके लेयर में थोड़ी शाइनिंग भी आ जाती है। तो बस अब आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल कुक हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी और हम बना लेते हैं। चलिए तो देखिए ये हमारे गर्मा गर्म शिरमाल बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको चाहें तो कबाब के साथ या चाहें तो आप कोई भी गोश्त का कोई भी आइटम उसके साथ आप ये खाइए। अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं है, ये जो है ऐसे दूध के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये सूखे भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए और मैं इसके लिए जो कबाब के साथ जो खाना है तो मैंने कबाब भी बनाए की रेसिपी भी अपने उसमें डाल रखी है। तो ऊपर मैं आई बटन में आपको इसका लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको कबाब का लिंक दे दूँगी, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। और बिल्कुल ये लेयर है, मैं आपको एक काट के भी अभी दिखाती हूँ। देखिएगा ये कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल लेयर वाले, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख रहे हैं इसके लेयर्स, बिल्कुल मार्केट के जैसे ये हमारे शिरमाल बन के तैयार हैं। तो इसको आप ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी रेसिपीज़ अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। बाय। 1, 2, 3, come on!